वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS ऑटोमेशन कंट्रोल। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि QUV एक्सेलरेटिव वेदर टेस्टर मशीन के इरिडेंस कंट्रोल पैनल को किस तरीके से कैलिब्रेट करते हैं। इसको कैलिब्रेट करने के लिए इसका कैलिब्रेटर इसके साथ आता है। इसमें जो अलग अलग लाइट सोर्स के हो इरिडेंस सेंसर्स है, इसमें चार इरिडेंस सेंसर होते हैं, उन सेंसर्स के पास आपको ये एक्स्ट्रा सेंसर मिलता है इसके साथ। उस सेंसर को इंस्टॉल कर लगा करके हमें इरिडेंस को कैलिब्रेट करना है। तो आइए हम इसके समझते हैं प्रोसेस को कि एक्चुअल इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कंट्रोल होता है। सबसे पहले आपको इसके साथ ये वाइट कलर का ये कैलिब्रेशन रेडियो मीटर मिलता है, जिसके ऊपर एक छोटी सी डिस्प्ले होती है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है। और इसके पास और इसके अंदर डिस्प्ले में लैम्प ए टाइप, लैम्प बी टाइप होता है, फिर कॉल ए, कॉल बी, कॉल 3, कॉल 4। इसका अलग अलग यूज़ है। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास एक वाइट कलर की कनेक्टिंग केबल होती है, जो कि 8 पिन केबल है। और ये केबल हमारी जो इरिडेंस कंट्रोल पैनल है उसके ऊपर ही अटैच, उसी के ऊपर ये इसके लिए अलग से पोर्ट दिया रहता है। और जस्ट इस पोर्ट के बगल में हमारे पास ये एक कैलिब्रेशन इंडिकेटर है। जब भी हमारे पैनल की कैलिब्रेशन डिस्टर्ब होती है तो ये लाइट इंडिकेट करने लग जाती है, लाइट जलने लग जाती है। सो हमें सबसे पहले इस वाइट कलर की केबल को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हमारे पास ये एक्स्ट्रा एक इरिडेंस सेंसर है, जो कि हमें पोर्ट नंबर 1 में लगाना है। सबसे पहले पोर्ट नंबर 1 के हॉल पे लगाना है, और हॉल लगा करके इसको लॉक करना है। जब पोर्ट नंबर 1 पे इसको लगाते हैं तो उसके बाद हमें ये रीडिंग को शो करने लग जाता है। जो इस टाइम जिस रेडिएशन से इसकी लाइट जल रही है, वो रीडिंग हमें शो करता है। तो इस सबसे पहले हमें अपना यूवी लैम्प लगे हुए हैं वो किस टाइप के, ए टाइप है, बी टाइप है, वो हमें चेक करना है कि किस तरीके टाइप के हैं वो। तो जैसे मेरे केस में है कि मेरे पास क्या है कि बी टाइप पैनल है ये। तो इसको हम इस तो इसके अंदर सबसे पहले बी टाइप पैनल सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ये ऊपर जो ये लैम्प टाइप का बटन है, उस बटन को प्रेस करेंगे, और जैसे प्रेस करेंगे लाइट वो ए टाइप और बी टाइप पे शिफ्ट होगी। तो हमें इस लाइट को ए टाइप पे रखना है, जैसे प्रेस करेंगे तो लाइट ए टाइप और बी टाइप पे शिफ्ट करेगी। तो हमने क्या किया, अपने जो पोर्ट नंबर 1 है उसके अंदर हमने अपना सेंसर लगा रखा है। तो हमें कॉल वन का बटन प्रेस करना है, और हमारी जो वैल्यू उस पर रेडियंस है, इस पर कैलकुलेटर मीटर पे शो जाएगी, वही हमारे पैनल पे शो होने लग जाएगी। तो हम जैसे कॉल वन की बटन प्रेस करेंगे, वैसे ही हमारे दो लाइट हमें ब्लिंक हो जाएंगे, दो बल्ब छोटे से एलईडी इंडिकेट करेगी कि हमें कैलकुलेट हो गए। जैसे ये कैलिब्रेट होंगे, ऐसे फिर आपको आपका जो पैनल पे जो आपके कैलिब्रोमीटर की जो रेडियंस की वैल्यू मिल रही है, वही वैल्यू आपके कंट्रोल पैनल के ऊपर दिखेगी। फिर नेक्स्ट आपको इसके पोर्ट नंबर 2 में लगाना है, लगा करके इसको लॉक करना है। अच्छी तरीके से लगा के इसको लॉक करिए। लॉक करने के बाद आपके पास जैसे लॉक करोगे तो आपके यहाँ पर कंट्रोल पैनल की वैल्यू जो दिखा रही है 0.65 है वहाँ पर, और नीचे आपको यहाँ पे वैल्यू इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू मीटर में दिखती रही मिलेगी। तो जैसे कॉल 2 का बटन प्रेस करोगे आएगी एलईडी लाइट ब्लिंक होगी, और ये आपका उसके रिगार्डिंग वही वैल्यू वहाँ पे कैलिब्रेट हो जाएगी। और यही प्रोसेस हमें करना है, हमें पोर्ट नंबर 3 पे लगा करके यही प्रोसेस करना है, और यही प्रोसेस हमें पोर्ट नंबर 4 लगा के करना है। और चलो इसको पोर्ट नंबर 3 पे इस इरिडेंस सेंसर को लगाते हैं। जैसे पोर्ट नंबर 3 में हम लोग इसको लगाएंगे, पोर्ट नंबर 3 है, पोर्ट नंबर 3 के ऊपर जैसे हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं तो हमें पोर्ट नंबर 3 पे जो रेडियंस की वैल्यू है वो हमें शो करने लग जाता है। ये 0.0052 कॉल 3 का बटन दबाएंगे, और ये वैल्यू हमें वहाँ पे हमारे कैलिब्रेशन पैनल पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इसके नीचे फिर पोर्ट नंबर 4 पे हम सेम सेंसर इंसर्ट करेंगे, तो हमें इसकी 0.043 वैल्यू मिल रही है। और जैसे कॉल 4 का बटन प्रेस करेंगे तो यही जो वैल्यूज़ हैं ये कंट्रोल पैनल पे चले जाएंगे। डेट्स ऑल। इसको कैलिब्रेशन करने के लिए हमें और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, बस सिंपल सा इसका कैलिब्रेशन का प्रोसेस है। आई होप ये कैलिब्रेशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि और हो सके तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर आपके बजट में आता है सब्सक्राइब करना तो कर लेना। बहुत कम सब्सक्राइबर है चैनल पे, और इसको हमें को ग्रो कराना है, और ये चीज़ें मुझे सीरियसली लेकर के चलनी है। तो भाई अगर आप लोगों के बजट में है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक भी कर लेना, कि वीडियो मैंने अपनी तरफ से अच्छी ही बनाई है। आप जैसे आपको लगे आप लाइक डिसलाइक कर लेना,
और दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।